अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह मेरे प्यारे भाइयों, इस वीडियो में मैं आपको औरत की ख्वाहिश की अलामत बताऊंगा कि जब औरत की मतलब सेक्स करने की ख्वाहिश होती है तो मतलब वो उसकी क्या क्या अलामतें हैं, क्या क्या वो करती है। क्योंकि जब औरत की भी ख्वाहिश करे और मर्द की भी ख्वाहिश करे, सेक्स में जब ही मज़ा आता है। और इन्हीं अलामतों को मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग हैं कि मतलब उन्हें पता नहीं चलता कि अब जो मेरी बीवी है उसको मतलब ख्वाहिश है या नहीं, तो वो यूं ही सेक्स करने लगते हैं। और जब बीवी की ख्वाहिश होती है और जब उसको मालूम होता है तो वो पछताता है, काश ऐसा ना होता। तो मैं आपको इस वीडियो में वो अलामतें बताऊंगा। तो सबसे पहली अलामत है कि औरत उस वक्त जल्दी जल्दी बालों को बिखेरने लगती है, बिना जरूरत सीने को खोलने लगती है, वो सब आपके ही सामने करेगी, और अपनी छाती को हाथ से मलने लगती है। ये सब अलामतें आप अगर औरत में देखोगे तो आप समझ जाइए कि उसकी ख्वाहिश बढ़ रही है। जैसे और भी अलामतें हैं, जैसे बार बार जम्हाई या अंगड़ाई लेना, कभी दोनों हाथ सिर पर फेरना, अपनी छोटी औलाद को बगल में दबा लेना, कभी किसी बच्चे को अपनी छाती पर लिटाना, उसे प्यार करना, उससे प्यार करवाना, कानों को उंगलियों से खुजाना, बनाव सिंगार करना, जेवर पहनना, सुरमा लगाना वगैरह वगैरह। ये काफ़ी सारी अलामतें हैं कि हम उनसे पता लगा सकते हैं कि औरत की जो मतलब बीवी है उसकी ख्वाहिश कर रही है या नहीं, इन अलामतों से हम पता कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी क्योंकि मैं सारी वीडियो इस्लामिक तरीके से ही बता रहा हूँ, और ये जो मैंने बताया है ये मैंने अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये सारे आजमाए हुए तरीके हैं, आजमाए हुए भी हैं, लेकिन ये एक मुफ्ती मोहम्मद अशरफ अमरोही की एक किताब है, उसमें से मैं ये आपको तरीके बता रहा हूँ। और उसने ये तरीके इस्लाम हदीस और कुरान हदीस की रोशनी से लिए हुए हैं, और कुछ हदीसें तो तिब्ब नबी से ली हुई हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे प्यारे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसी वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी लोग शर्माते हैं, उलेमाओं से पूछने में झिझक करते हैं इसी बातों को। तो वीडियो को लाइक भी कर दें और दोस्तों को शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इन बातों का अंदाज़ा चल जाए। और अगर हाँ, इन बातों पर आप अमल करेंगे जो मैंने बताई है तो आपकी कभी भी मर्दाना ताकत कम नहीं होगी, ये बात मैं लिख के दे रहा हूँ। और आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।